ये देखिए सामने पर्वत की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई, वाइट कलर जो दिख रहा है इन पर बर्फ जमी हुई है। ये अभी हम खड़े हैं अटल चौक पर, मनाली में अटल चौक है जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगी हुई है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पेड़ ये पहाड़ों पे होते हैं। और अभी हम चलेंगे अटल चौक से हिडिंबा टेम्पल जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। ऊंची ऊंची चोटियाँ देखिए बर्फ से ढकी हुई बिल्कुल सफ़ेद दिख रही हैं, बाकी के पेड़ पौधे हैं ग्रीन दिख रहे हैं। ऊपर वाली चोटियाँ देखिए बर्फ़ से ढकी हुई बिल्कुल सफ़ेद। ये देखिए पहला गेट यहाँ आ गया है हिडिंबा टेम्पल का। पेड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हैं। ये सामने देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम माँ हिडिंबा के मंदिर पर पहुँचेंगे। और जो लोग कार से जाना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता यही है, तो कार से ये लोग मंदिर जा रहे हैं। हम चलते हैं सीढ़ियों से। बताते हैं लगभग 400-450 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों का मार्ग थोड़ा कठिन होता है चढ़ने के लिए, शरीर थक जाता है लेकिन शॉर्ट बहुत पड़ता है। ये सीढ़ियाँ देखिए चलिए सीढ़ियों से चलते हुए चलते हैं। सीढ़ियों से काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा लेकिन शरीर थक जाता है। देखिए जंगल पर्वतों पे चढ़ते हैं हम ऊपर। जय माता दी। हिडिंबा ये भीम की पत्नी थी। काफी बड़े बड़े पेड़ हैं।
सीढ़ियाँ चलते चलते थकान हो जाएगी। क्योंकि बर्फीले पहाड़ हैं तो यहाँ ठंडक बहुत है, ठंडक होने के कारण थकान इतनी अखरेगी नहीं। देखिए ऊपर प्योर जंगल, पहाड़ों पे कितने जबरदस्त पेड़ और बिल्कुल स्ट्रेट सीधे। ये देखिए हालांकि बैरिकेटिंग की गई है, जाली लगी है कि जो लोग इधर उधर ना जा सकें जंगल में, सुरक्षा किसी सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हो। ठंडक बहुत है, बहुत ठंड, पानी तो इतना ठंडा यहाँ का, वो बाथरूम में हाथ क्या धुले जी, लग रहा उंगलियां गायब, बहुत ठंडा पानी। तो गीजर लगा हुआ था तो गर्म करके नहा भी लिया, नहीं तो नहात नहीं पाते। ये याक जैसे वैष्णो देवी भी खच्चर मिलते हैं, यहाँ याक से सवारी करते हैं। तो और हम मंदिर के नजदीक आ चुके हैं, देखिए वो सामने मंदिर है। ये मंदिर आ गया सामने। ये हम मंदिर के नजदीक आ गए हैं, मंदिर के आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा। देखिए बंगाल शैली का बना हुआ मंदिर है, मंदिर में अंदर कैमरा नहीं ले जाने देंगे, तो हम आपको दर्शन करने के बाद ज्वाइन करते हैं और फिर यहाँ के आसपास के दृश्य भी आपको दिखाते हैं। हम पहले करते हैं दर्शन हिडम्बा माता के, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक, वेट कीजिएगा। ओके, ये पूरा मंदिर देखिए लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के स्ट्रक्चर पर पूरा मंदिर है, उसके बाद फिर उसमें कुछ लेस वगैरह किया गया है। पूरा मंदिर लकड़ी के स्ट्रक्चर पर बना हुआ है और ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है, हजारों हजारों वर्ष ऐसी बनी रहती है। ये स्लीपर रखे हुए हैं, अगर कोई डैमेज होता है तो चेंज कर दिया जाएगा। चूँकि हिडम्बा एक राक्षसी परिवार से थी,
तो देखिए उनके मंदिर पर ये देखिए सिंह मृग, ये देखिए मृग के सिंह वगैरह सिर वगैरह ये रखे हुए हैं 12 सिंगा के। और भी चूँकि राक्षसी परिवार थे तो उनका भोजन वगैरह यही था सब। डूंगरी वन विहार, डूंगरी वन विहार में एडल्ट का है 10 रुपये और बच्चों का है 8 साल से जो नीचे बच्चे हैं 5 रुपये और 8 साल से ऊपर और एडल्ट का है 10 रुपये। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हम लेंगे टिकट। अंदर वन विहार में, वन विहार में देखते हैं इधर बच्चों के झूलने के लिए झूले वगैरह हैं। ये देखिए और लोगों को केवल घूमने के लिए अपना घूम सकते हैं। कॉमन लेपर्ड तेंदुआ बताते तो हैं तेंदुआ, लेकिन यहाँ तेंदुआ दिखेगा नहीं दिखेगा। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। देखिए पेड़ों के उस तरफ सफेद चादर सी बिछी हुई दिख रही है, जो ये बर्फ जमी हुई है पहाड़ों पर। काफी ऊंचे ऊंचे वृक्ष ये देखिए। काफी घना जंगल है, बहुत ठंडक है यहाँ पर, इतनी तेज धूप होते हुए भी बहुत ठंडक है। बहुत घना जंगल। अब यहाँ तो घूमने के लिए अगर आपके साथ 2-4 मित्र हैं तब तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा घूमने में, अन्यथा अकेले अकेले भी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है एहसास प्रकृति का, इसीलिए तो नाम रखा है चैनल का एहसास प्रकृति का। देखिए हर चीज़ प्राकृतिक है, यहाँ कोई चीज़ बनावटी नहीं है। इधर चलते हैं, काफ़ी घना जंगल है और इसके उधर भी कुछ मकान वगैरह बने हुए हैं। देखिए इसके इधर उधर भी हालांकि फोटो तो दिखा रहे थे कि वहाँ पर लेपर्ड ये और ये पीकॉक वगैरह तरह हिमालय तरह, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ लेपर्ड आता भी होगा।
यहाँ से सफ़ेद सब बादल से दिख रहे हैं, लेकिन वो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रही है वो बादल नहीं है, नीले आकाश के नीचे वो पर्वत की चोटियाँ हैं जो सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई हैं। बिल्कुल ये लग रहा सफ़ेद चादर बिछा दी गई हो, इसीलिए यहाँ ठंडक भी बहुत है। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो अभी हमने हिडम्बा माता के दर्शन किए, क्योंकि कैमरा अंदर नहीं ले जाने देते इसलिए आपको नहीं करा सके। और उसके आसपास जो वन विहार है या बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह थे वो हमने दिखाए। बहुत अच्छा, बहुत सुरम्य वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल एहसास प्रकृति का के साथ, देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे जो भी वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।